वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म की। भाई देखो, आप जानते ही हैं मैं वेस्टर्न रेलवे पर आपके लिए डिटेल्स वाली वीडियो ऑलरेडी लेकर आ चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया समझाया था कि कौन इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। और ये जो अभी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिल करके बताऊंगा, फॉर्म सबमिट करके भी आपको दिखाऊंगा, बस आपको फी पेमेंट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जो है अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को फिल कर रहा हूँ और डेमो के तौर पर फॉर्म फिल कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करके बता रखा है कि आप फोन से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो बच्चे ये फॉर्म की वीडियो देख रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो डिटेल्स वाली वीडियो मैं ऑलरेडी लेकर आ चुका हूं। डिटेल्स वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें और आपको पता चल जाएगा कि आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ये जो अप्रेंटिसशिप है, ये ऑल इंडिया लेवल की है, चाहे आपने ITI SCVT से किया है चाहे NCVT से किया है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन इसका फॉर्म है, ट्रेड्स आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख जाएगी। बाकी जब आप फॉर्म फिल करते समय देखेंगे तो आपको वहाँ पर सारी ट्रेड्स दिख जाएगी। बढ़ते आगे, तो भाई आगे बढ़ूं, एक और चीज़ है, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे को फॉलो करेंगे तो आपको जो चैट करने का ऑप्शन दिख जाएगा, तो वहाँ पर भी मैं आपके क्वेश्चन के रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बढ़ते आगे, तो दूसरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का दे रखा है, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो भाई सबसे पहले तो जो बच्चे, आई थिंक मोस्टली बच्चे नए आएंगे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर करना है। भाई देखो, मैंने इस वीडियो में आपको दो स्क्रीनशॉट भी दिए हैं, जो आपके आपके फ़ोन पर SMS आएगा और आपकी मेल ID पर एक जो है मेल आएगा। तो किस तरीके से वो मेल आएगा, किस तरीके से आपके पास OTP आएगा, वो सारा क्राइटेरिया मैंने इसमें आपको समझा रखा है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने होगा ऐसा इंटरफेस ओपन। यहाँ पर आप डालेंगे अपना आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप जो है यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है लेकिन आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप जो इस वाले कॉलम पे चूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा, आप इस पे आ जाए, कैपिटल में फॉर्म फिल करना है, पहले ही आपको बता देता हूँ। कैपिटल में आप जो यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, अगर आप मिडल नेम यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दें, और फिर जो है आप यहाँ पर अपना लास्ट नेम डाल दें। उसके बाद यहाँ पर आपके फादर का नाम, फादर अगर मिडिल नेम यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप जो है यहाँ पर लास्ट नेम पर आ जाएं। उसके बाद यहाँ पर जो है आप कैटेगरी चूज़ करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर अनरिजर्व चूज़ करी है। यहाँ पर अपना जेंडर, यहाँ पर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आप यस करके आगे बढ़ें, अदरवाइज इसे नो कर दें। जब आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर DOB डालने, DOB मैंने आपको बता दी थी डिटेल्स वाली वीडियो में कि किस एज वाले क्राइटेरिया के लिए यह अप्रेंटिसशिप है और कितना कितना रिलैक्सेशन आपको दे रखा है। तो जैसे ही आप DOB डालेंगे, यहाँ पर आपकी एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसी के नीचे वाला पार्ट है, तो मैंने जो है स्क्रीनशॉट में आपको, स्लाइड्स में आपको सारे के सारे फॉर्म फिल करके यहाँ पर दे रखे, तो ये वाला फॉर्म भी आपको जो है इसी तरीके से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप यहाँ पर मेल ID डालेंगे, भाई देखो मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर गलत नहीं होना चाहिए, अगर वो गलत हुआ तो ना ही डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएगा और ना ही आपके मेल ID पर और आपके फ़ोन पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो OTP है वो आपको मिल पाएगा। तो ये आपको ध्यान से डालना है, 10 बार फॉर्म को देखना, तब जाके आप जो रजिस्टर पे क्लिक करना। अगर ये गलत हो गया तो भाई मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता इसमें, इसलिए आपको बोलता हूँ कि फॉर्म को 10 बार देखें और फिर जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करें। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस पे क्लिक करें, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाएं। उसके बाद ये कुछ ITI से रिलेटेड डिटेल्स है, यहाँ पर देखो ITI ट्रेड आपको चूज़ करना है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन है, जैसे आप इलेक्ट्रिशियन चूज़ करोगे ना तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, तो वो चूज़ करते टाइम आप देख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर ट्रेड चूज़ करनी है, दो तरीके से आपको चूज़ करने पड़ेगी दोनों पार्ट में, और आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, आपका जो SCVT है या NCVT है वो चूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये चूज़ नहीं करेंगे तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। सो, ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ चेक, रजिस्टर करने के बाद प्लीज़ रीचेक योर ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर टू रिसीव योर पासवर्ड। ये खुद ही बोल रहे हैं कि अपनी मेल ID और अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेक कर लो, ताकि आपको जो है आपका OTP और जो भी डिटेल्स है वो आपकी मेल ID पर आपको और कॉन्टैक्ट नंबर पर मिल जाए। तो जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप बढ़ेंगे इस पेज पर।
आपको यहाँ पर एक बार और मौका देगा एडिट करने का। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी डिटेल्स थोड़ी सी गलत हो सकती है तो आप एडिट पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स करेक्ट कर लेना और फिर दोबारा रजिस्टर पे क्लिक करना। तो अगर आपको लगता है सारी डिटेल्स सही है तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आप आएंगे इस पेज पर। तो जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे आपको अपना फ़ोन चेक करना पड़ेगा। 2-3 मिनट बाद आपके पास एक SMS आएगा OTP का और आपकी रजिस्ट्रेशन ID का। और उसके बाद जो है आपकी मेल ID पर भी एक जो है ऑप्शन आपके सामने आएगा, वो स्क्रीनशॉट अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी इस पेज पर आपको कब आना है अभी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये बता दूँ कि किस तरीके से आपके पास आपकी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड और OTP आएगा। तो आपकी मेल ID देखें, अपनी मेल ID ओपन करके देखना। भाई देखो, बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी मेल ID पे जो है ना ही रजिस्ट्रेशन ID आया ना ही पासवर्ड आया। भाई देखो मेरा कैसे आ गया, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो ध्यान से फॉर्म को फिल करेंगे, मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर ध्यान से डालेंगे तो ज़रूर आपके सामने आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपकी मेल ID पर आपको ID देगा और आपको पासवर्ड देगा, और आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर जो आप डालेंगे उस पर आपको रजिस्ट्रेशन ID देगा और आपको OTP देगा। तो ये सारी चीज़ें आपके काम की है। यहाँ पर OTP बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और यहाँ पर ID पासवर्ड इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये रिसीव होने के बाद आपको दोबारा उसी पेज पर जाना है और यहाँ पर जो है क्लिक हेयर टू लॉगिन करना है। क्लिक हेयर टू लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है पहुँचेंगे ऐसे पेज पर। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID डालनी है जो आपकी मेल ID पर आई थी, और मेल ID वाला पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप ये डालेंगे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन पर जो OTP आया था, जो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, जो आपके फ़ोन पर ये OTP आया था 6 डिजिट का, ये नंबर आपको यूज़ करना है और ये OTP जो है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद जो है आपको अपना नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा ये वाला। तो यहाँ पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालना पड़ेगा जो आपकी जो है मेल ID पर आपको जो है मिला था। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नया पासवर्ड जनरेट करेंगे और यहाँ पर अपना कंफर्म पासवर्ड करेंगे। जो आप न्यू पासवर्ड बनाएंगे वहीं यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड देना पड़ेगा। सो आई होप कि ये आप समझे होंगे। एक और बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर जो मेल ID पे पासवर्ड आया था वो, यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको जो बनाना है वो आप रखेंगे और न्यू पासवर्ड आपको यहाँ भी डालना पड़ेगा कन्फर्म करने के लिए। तो जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आप पहुंचेंगे दोबारा रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। तो रजिस्ट्रेशन ID पर आप जो यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन ID डालेंगे और जो आपने नया पासवर्ड बनाया, जो आपने नया पासवर्ड बनाया वो आप यहाँ पर डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो है फॉर्म भरने के लिए ओपन हो जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए ओपन होगा, मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में दे रखा है, आपको यहाँ पर एक जो है स्क्रॉलिंग मोड में मिलेगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सबमिट पे, आपको हल्का सा नीचे स्क्रॉल करना है और एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा। स्क्रॉल करते ही ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करना है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियोस बनाने में फॉर्म की। आप तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे देते हो कि सर ये फॉर्म की वीडियो लेकर आओ, लेकिन 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं सारी डिटेल्स के, जितने भी कॉलम्स हैं सबको वेरीफाई करना, अच्छे से देखना। तो बस यही बोलूँगा कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं ना तो थोड़ा सा लाइफ में पेशेंस रखें। मेरे चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी लेकिन थोड़ी सी मैं लेट देता हूँ। क्यों लेट देता हूँ? ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियर चीज़ों को कर सकूं। सो आई होप कि मेरी बातों को आप समझे होंगे। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो आपको मुझसे बात करने का यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे ही आप जो एप्लीकेशन फॉर्म पे हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको चूज़ करने के लिए बोलेगा यूनिट। तो यहाँ पर 5 यूनिट देगा, जिसमें से मैंने 3 चूज़ कर ली है, बाकी आप 5 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ कैसे। तो यहाँ पर 5 आपको दिखेगी, 3 मैं यहाँ पर ड्रैग करके ले गया। मान लीजिए यहाँ पर आपने अहमदाबाद पे क्लिक किया, अहमदाबाद पे क्लिक करके आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने फॉर एग्जांपल ये साबरमती पे क्लिक किया, साबरमती पे क्लिक करके मैंने जो है इस पे क्लिक किया, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली चले जाएगी। ऐसे ही मैं 3 यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं इनको लेकर आ गया हूँ। अगर आपको लगता है 5ों में करना चाहिए, पहले नंबर पर ये आएगी, दूसरे पर ये आएगी, तो अपने अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस दे देना। तो जैसे ही आप जो है ये भर लेंगे, आप चाहे तो 5ों भी भर सकते हैं। जैसे ही आप ये भर लेंगे आपको क्लिक करना है इस नेक्स्ट पे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप पहुंचेंगे इस पर। तो ये जो आपकी डिटेल्स है ये भी थोड़ी समझनी है आपको अच्छे तरीके से। ये भी हल्का सा नेक्स्ट आप जो है ऊपर ही देख लेंगे जब नेक्स्ट करेंगे। तो ये आपकी डिटेल्स है जो आपने भरी थी, और यहाँ पर जो है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने पड़ेगी। आपको यहाँ पर जो भी आपकी SSC है, सीनियर सेकेंडरी का जो है सर्टिफिकेट है,
जो भी आपका 10th क्लास है तो 10th चूज कर लेना, SSC चूज करके रखना, वैसे 10th से भर रहे हैं ना तो SSC चूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड एग्जाम अथॉरिटी CBSE से किया है, किससे किया है वो आप डाल देना, नेम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल से आपने अपना क्वालिफिकेशन है कंप्लीट किया, अपनी 10th क्लास कंप्लीट की है। यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है SSC का यानी 10th स्टैंडर्ड का, तो 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को बोलूंगा कि यहाँ पर SSC सिलेक्ट करके चले, अलग से 10th मत चूज करना। डेट ऑफ मैट्रिकुलेशन यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर जो आपकी 10th क्लास की मैट्रिकुलेशन की डेट है जब आपने पास करी थी वो आपको डालनी है, डेट चूज करने का ऑप्शन आपको यहीं दे देगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, SSC का मार्कशीट का नंबर डालना है, सॉरी सर्टिफिकेट बोल दिया, मार्कशीट का नंबर डालना है। मार्कशीट का नंबर कहाँ मिलेगा आप अपनी मार्कशीट देखना, 10th क्लास की मार्कशीट ऊपर आप आएंगे यहाँ पर देखना, आपको 6 डिजिट का एक नंबर दिखेगा, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे ही आप ये डालेंगे हल्का सा जो है आप इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे को, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आपको CGPA डालने का ऑप्शन देगा जो आपकी 10th की परसेंटेज है, तो यहाँ पर जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप डालेंगे और ऑटोमेटिकली आपको जो है कैलकुलेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल आपकी CGPA अगर 8.0 आई तो यहाँ पर आप डालेंगे 8.0 तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट 76 point something करके आपको दे देगा। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आपने टर्न चूज़ किया था, टर्नर के बाद आपने ईयर ऑफ पासिंग ITI किया है वो आपको चूज़ कर रहे हैं, आपके जो आपका NTC सर्टिफिकेट है यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI का, उस पर जो है एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, आई थिंक 10 डिजिट का होता है, बाकी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, वो नंबर आपको डालना पड़ेगा, चाहे वो SCVTC हो चाहे वो NCVTC हो। उसके बाद डेट ऑफ ITI सर्टिफिकेट वो आपको डालने पड़ेगी, सर्टिफिकेट इश्यूड अथॉरिटी कौन सी NCVT है या SCVT है वो आपको डालने पड़ेगी। उसके बाद जो है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा जो भी आपके ITI का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद जो है यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबर आपके आए, ठीक है, और यहाँ पर आप डालेंगे और कितने में से आए वो आप डालेंगे, यानी 2700 का मैक्सिमम बच्चों का पेपर होता है तो वो आप डाल के यहाँ पर ऑटोमेटिकली परसेंटेज देख लेंगे और यहाँ पर नीचे आपको एवरेज परसेंटेज दिखा देगा। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अभी आपको बताऊंगा क्या आएगा, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपके जो सर्टिफिकेट है ना उस पर आपको सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी का नेम दिखेगा, अगर NCVT ना लिखा हो ना तो आपको NCVT डालने की जरूरत नहीं है, जो आपके सर्टिफिकेट की इश्यूड अथॉरिटी है वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेगी। अगर आपको कुछ नहीं मिल पाता तो फिर आप जो है SCVT या NCVT डालेंगे, ठीक है, ये बाद का ऑप्शन है, पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपको सर्टिफिकेट पे दिखता है तो आप वो डालोगे कहाँ से आपको इशू हुआ है सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान से आप इसको देख लेना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँचेंगे इस वाले पेज पर, बहुत लंबा फॉर्म है दोस्तों, बहुत टाइम लग गया मुझे, करीबन 3 घंटे लग गए इस फॉर्म को जो है प्रिपेयर करने में। तो ये ऊपर की डिटेल्स है, यहाँ पर जो अपना एड्रेस डालेंगे, हर बार ये ऊपर की डिटेल्स आपको दिखाएगा जैसे जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर जो है अपना सिटी या डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली जो है डिटेल्स ले लेगा, यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे, यहाँ पर आप अपनी फोटो डालेंगे या सिग्नेचर डालेंगे, चूज़ करेंगे यहाँ से, चूज़ किस में, JPJ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे अपनी फ़ोटो को, अपलोड करेंगे अपने सिग्नेचर को, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ऊपर वाली डिटेल्स मैंने इस बार नहीं डाली है, जिस तरीके की ये डिटेल्स है ये ही आपकी ऊपर की आएगी यहाँ पर भी, तो ऊपर वाला पार्ट मैंने नहीं किया, नीचे हल्का सा स्क्रॉल करके आएंगे हम, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो, उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ DOB अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी 10th क्लास का आप सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो है स्कैन कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड मार्कशीट फॉर ऑल सेमिस्टर ऑफ दी ITI की जो भी आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो आपको अपलोड करने पड़ेगी। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको NCVT SCVT जहाँ से भी आपको सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है वो आपको लगाना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको लगाने पड़ेगा क्या, एक्स सर्विसमैन का अगर आपने ऑप्शन यस किया था तो आपको इसे चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सो हेयर बाय पे क्लिक करते ही आप जो है इस पर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ऊपर वही डिटेल्स आएगी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, ये डिटेल्स ऊपर आएगी, मैं हल्का सा स्क्रॉल करूँगा नीचे और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने गलती से भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो इस पर जो है क्रॉस कर देना, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप बढ़ेंगे आगे, इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल्स गलत आपने डाली है तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दे देगा।
एडिट क्लस्टर डिटेल्स आपको करनी है तो वो भी आप, जैसे तीन आपने चूज करी थी, आप चाहे आप फॉर एग्जांपल आपने पांच चूज कर लिया, अब आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे तो चार चूज करनी है, मैं चार चूज करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे पहले नंबर पर प्रेफरेंस इसको देनी है, तो यहाँ से आप क्लस्टर डिटेल्स पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेल्स जो है फैच करेगा। नीचे हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी यहाँ पर दिखेगी, और यहाँ पर आपको जो है आपकी जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो आपको दिख जाएंगे। एडिट एड्रेस डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, तो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबमिट होने के पहले। अगर आपने सबमिट कर दिया तो भूल जाओ कि डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए थे, ये आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, सबमिशन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऑप्शन आएगा इस तरीके का। ये बोलेगा योर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नाउ कंप्लीट, मेक पेमेंट करो या वेरीफाई पेमेंट करो। मेक पेमेंट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं और फीमेल हैं और आप पीएच कैटेगरी से हैं, तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा, आपको डायरेक्टली प्रिंट आउट दे देगा। मेक पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अगर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है, तो इस तरीके से आप जो है डेबिट कार्ड से पेमेंट क्लिक करके कर सकते हैं, आपको आगे डिटेल्स बता देगा। क्रेडिट कार्ड से करनी है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, और बाकी ये तीन ऑप्शन आपके सामने और हैं। सो आई होप कि दोस्तों मैंने सारी की सारी डिटेल्स आपके क्लियर कर दी होगी। बाकी आपको यही बोलूँगा कि आप एक काम करो, सबसे पहले डिटेल्स वाली वीडियो को देख लो, और डिटेल्स वाली वीडियो के बाद जो है इस वीडियो को देखो, अगर आपने डिटेल्स वाली वीडियो नहीं देखी है। सो मैंने बहुत मेहनत करी है इस फॉर्म को आपके लिए बनाने में। 6 बजे बैठा था मैं, करीबन 6:30 बजे बैठा था आपके लिए फॉर्म क्रिएट करने में, लेकिन जो है अब जाके इसका फॉर्म जो है आपके लिए प्रिपेयर हो पाया। सो यही बोलूँगा, 2019 में जो बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उन लोगों के साथ मेरा चैनल शेयर कर दो, ताकि वो गलत दिशा में ना जा पाएं और अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा काम कर सकें, एक अच्छी ट्रेड को चूज़ कर सकें जो फ्यूचर में आईटीआई करना चाहते हैं। दोस्तों हम इसी तरीके से आपकी मदद करते रहेंगे, इसी तरीके से हेल्प करते रहेंगे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहोगे तो आपको जो है हम इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, ताकि गलती से भी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। अंत में एक और चीज़, इसका मौका मत छोड़ना अप्रेंटिसशिप का। अगर आपको अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करना है, अगर आपको अप्रेंटिसशिप चाहिए, अगर आपकी अच्छी परसेंटेज आते हो। धन्यवाद।